नमस्कार, मैं अभिषेक कुलकर्णी। भारतीय संस्कृति में मां का स्थान सर्वदा ईश्वर तुल्य रहा है। नास्ति मातृ समाछाया, नास्ति मातृ समागति, नास्ति मातृ समम त्राणा, नास्ति मातृ समाप्रया। अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा हो, या राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी, या आपकी या हमारी मां। आज शख्सियत के इस वीडियो में चर्चा करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां स्वर्गीय हीराबेन मोदी का। हीराबेन को जानने वाले लोग उन्हें प्यार से हीरा बा कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनकी मार्मिक करुणा केवल उनके बेटे तक सीमित नहीं थी। उनकी करुणा की आभा उनके जानने वाले हर शख्स तक बिखरी है। 18 जून 1923 को गुजरात राज्य के वडनगर में मेहसाना में जन्मी हीराबा का विवाह दामोदर दास मोदी से हुआ। मूल रूप से दामोदर दास मोदी, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पिता हैं, चाय बेचने का व्यवसाय करते थे। जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन हीराबा ने भी पूरी जीवटता से इसका सामना किया। शायद भारत के सबसे ताकतवर व्यक्ति की छवि कहीं ना कहीं इससे प्रेरित दिखती है। हाल ही में हीराबा के 100वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने एक ब्लॉग में इसकी चर्चा की। उन्होंने लिखा, आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूं। मेरी मां हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते, यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी मां का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ। आज जो कुछ भी मेरे व्यक्तित्व में है, उसमें मेरी मां और पिताजी की छवि है। बहरहाल, हीराबा का जन्म गुजरात के मोदी घाची समुदाय में हुआ और उनकी कुल 6 संतानें हुई, जिनमें 5 बेटे और 1 बेटी हुई। सबसे बड़े बेटे सोमा मोदी पेशे से स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड अधिकारी रहे। दूसरे बेटे अमृत मोदी एक रिटायर्ड लेथ मशीन ऑपरेटर रहे। वहीं तीसरे बेटे हैं नरेंद्र मोदी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चौथे बेटे प्रहलाद मोदी एक दुकान चलाते हैं, हालांकि अब राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। और पांचवें और सबसे छोटे बेटे पंकज मोदी गुजरात सरकार द्वारा संचालित कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। बेटी वसंती बेन हसमुखलाल मोदी एक हाउसवाइफ हैं और फिलहाल गुजरात के उंझा शहर में रह रही हैं। हीराबा भ्रष्टाचार के बेहद खिलाफ थीं और अक्सर अपने प्रधानमंत्री बेटे नरेंद्र से कहा करती थी, बेटा कदी लांच न लेइस, यानी कभी गलत नहीं करना, ऐसी भावना रखना। हीराबा वैसे तो ज्यादातर वडनगर में ही रही, लेकिन पति दामोदर दास मोदी के देहांत के बाद वो अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ रहती थी। 2016 में हीराबा प्रधानमंत्री के आवास रेस कोर्स रोड गईं। ये वही साल था जब नोटबंदी ने पूरे देश को एटीएम के बाहर खड़ा कर दिया था। इसमें मां हीरा ने भी स्वयं एटीएम के बाहर जाकर पैसे निकाले और सरकार के इस फैसले का समर्थन किया। ये उनकी प्रधानमंत्री की मां होने से ज्यादा एक राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का व्यक्तित्व परिचय था। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो वोट देते भी नजर आईं। 2014 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हीराबा को एक साड़ी उपहार के तौर पर भिजवाई थी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पाकिस्तान दौरे पर थे, तो उन्होंने नवाज शरीफ की मां को एक शॉल भेंट दी थी, तो नवाज शरीफ ने भी अपना अभिवादन साड़ी भेंट कर दिया। जीवन के 100 बसंत देख चुकी हीराबा 28 दिसंबर को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद यूएन अस्पताल ले जाई गई और 30 दिसंबर 2022 को हीराबा ने अंतिम सांस ली। और मैं अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या शिकायत करनी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।